तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। और आज हम लोग घूमेंगे तो बहुत ज़्यादा, मगर सबसे पहले हम जाने वाले हैं शिव टेंपल में, शिव मंदिर में। तो दोस्तों, ये है यहाँ से गुफा है अंदर जाने की, मंदिर की। अभी तो खैर बंद है यहाँ पे, मगर खुलती भी है कभी कभी ये गुफा। और यहाँ से अंदर से पता नहीं कुछ है सीन शॉट, मैं आज तक गया तो नहीं हूँ, मगर अभी चलते हैं मंदिर की तरफ को, अंदर को, और देखते हैं कैसा है अंदर। तो ये देखो, तो चलते हैं अंदर। 4 जुलाई है और आज बर्थ ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस भी माना जाता है, ठीक है। इसकी हिस्ट्री आप खुद ही चेक कर सकते हो। तो भाई, जूते यहाँ पे उतार के जाना होता है क्योंकि अंदर भगवान का मंदिर है और आस्था को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए भगवान की। और यहाँ पे बहुत सारे फूल पत्ते भी हैं, ये देखो। वाह, बहुत अच्छी जगह है। और ये वो गुफा है जो मैं ऊपर से बता रहा था आपको, ये देखो, ऊपर से आती है ये गुफा। और ये देखो क्या बढ़िया पेड़ है पूजा करने के लिए, ये पेड़। अब नीचे जाके देखते हैं, यहाँ पे तो मच्छियाँ भी हैं, आगे जाती ही हमको दिख जाएंगी मच्छियाँ भी। वाह यार, एंट्रेंस तो बहुत अच्छी बनाई है। और ये पिथौरागढ़ का एक यूट्यूबर है, था हिमालयन हस्की, उसी ने बनाया है ये टेम्पल, ठीक है। तो जब सौरभ जोशी आया था तो उसकी व्लॉग में मैंने देखा था, और उसके बारे में मेरे को उसी की व्लॉग से पता चला था। तो अभी देखते हैं अंदर इंटीरियर आखिर कैसा बनाया है उन्होंने। मच्छियाँ हैं यहाँ पे, बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है मच्छियाँ, ये देखो। वाह, देखा, बहुत सारी हैं। और ये देखो भैया, शिव जी की मूर्ति है ये। अभी यहाँ पे मोटर चालू नहीं किया है इन्होंने, नहीं तो मोटर चालू करके बहुत अच्छा दिखता है। तो जो वीडियो अभी आपने देखी ना भाई, ये मैंने कहीं पहले ली थी, जब यहाँ पे कुछ पूजा वूजा टाइप का था ना, तब लिया था मैंने, और तब मोटर चल रहा था, अभी तो बंद है खैर। और देखो, बहुत बड़ी बड़ी घंटियाँ हैं, ठीक है। पहले हम अगल बगल के मंदिर देखते हैं, फिर मेन मंदिर देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं वहाँ पे। ये है भाई हनुमान जी का मंदिर, बजरंगबली। जय हो बजरंगबली कर देना एक बार, हम भी जय हो करते हैं बजरंगबली को। आप भी जय हो कर दो। और इस तरफ तो एक मंदिर है, 2-3 वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हैं, उनको भी ज़रा हम देखते हैं। ओके, ये रास्ता है, ऊपर से ये रास्ता है, एक रास्ता यहाँ से भी है, एक रास्ता वहाँ से भी है। रास्ता देखते हैं यहाँ पर से अब ज़रा। ये देखो भाई, ये है शिवलिंग। वाव, बहुत अच्छा भव्य बना रखा है। और यहाँ पे पानी डाल के यहाँ से अंदर से थोड़े छेद भी हैं पानी के जाने के लिए। तो हाँ, आर्ट वर्क तो अच्छा है वैसे यहाँ पे। बढ़िया है। ये क्या है, यहाँ पे पक्का हवन होता होगा, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये हवन हवन सामग्री का होगा यहाँ पर सारा। और बांस के पेड़ भी हैं यहाँ पे। अभी तो भाई बारिश आई हुई है, सुनसान है यहाँ पे, मगर जो ये बांस का पेड़ है ना, जब धूप होती है शाम के टाइम पे, बहुत सारी चिड़ियाएँ आ जाती हैं यहाँ पे। और इतनी ज़्यादा चिड़ियाओं की आवाज़ आती है ना, चिर 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 करके बहुत आती है। और अभी एक और मंदिर आ गया है, ये गणेश जी का मंदिर है, देखो। वाह, गणेश जी के मंदिर में ही मत्था टेकेंगे हम। आशीर्वाद मिलता है माथा टेक के। और उस तरफ क्या है, यहाँ पर कुछ और है शायद, मंदिर नहीं है, कुछ रहने का है। ये पानी, और वैसे जो ये मंदिर है, ये पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ है, अगल बगल पूरा पानी है। और ये देखो, यहाँ पे हमारे नंदी बैल हैं, इनके कान में कुछ भी बोलो तो ये सीधा शिव जी को जाके बताते हैं, तो इनके कान में कुछ बोलना पड़ेगा। तो भाई, मैंने तो मांग लिया है, आप भी कुछ ना कुछ बोलो, ठीक है, कान में पॉज करके बोल देना, ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते। थोड़ा पीछे से आपको मंदिर दिखाऊं मैं। ये देखो भाई, व्हाट अ वंडरफुल टेंपल, वाव। और अभी तो ये बंद है, इसका अंदर से कुछ ऐसा डिज़ाइन है ना कि जब दिन के टाइम पे धूप पड़ती है तो उस सीधा मूर्तियों में जाके मतलब बहुत अच्छा दिखता है, उजाला उजाला टाइप का। किसी दिन खुलेगा तब दिखाऊंगा आपको मूर्तियों का, अभी तो खैर बंद है तो क्या ही कर सकते हैं हम। पीछे पे पूरा ही लिखा हुआ है,
हाँ वो पीछे पर को मतलब जो ये ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है इसकी पूरी परछाई वहाँ नीचे मंदिर में पड़ती है, तो बहुत अच्छा लगता है वो देखने में। तो अभी यहाँ से अब हम बाहर को चलते हैं, मंदिर का तो हमने भ्रमण कर ही लिया है और बहुत सारे नए नए घर भी बन रहे हैं यहाँ पे यार। वो देखो मिस्टर रीलर, चल चलें फिर। चलो चल ब्रो, क्या कर रहे हो तुम, मच्छी पकड़ रहे हो? खाएगा ले जाते हैं, बनाते ये हैं देखो भाई मच्छी, कब से निकाल भव्य मच्छियां हैं यहाँ पे, भव्य मच्छियां। चलो ठीक है अब चलते हैं बाहर को। और दोस्तों जो गुफा की मैं बात कर रहा था ना, ये देखो यहाँ से है गुफा, तो भाई ये है वो गुफा और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुझे लगा कि ये गुफा में आते क्यों नहीं है, तो अभी बनी रही है इसलिए नहीं आते हैं, थोड़े टाइम में बन जाएगी तब आना जाना भी शुरू हो जाएगा यहाँ पे लोगों का। तो अभी यहाँ से गेट बस थोड़ा ही दूर है, हम जा रहे हैं बाहर को। वो देखो बांस के डंडे रखे हुए हैं, यहाँ बांस भी बहुत सारे होते हैं ना इसलिए। चलो चलो भाई चलते हैं यहाँ से बाहर। वाह अब यहाँ से कहाँ को जाएं, ऊपर या नीचे? मैं जा रहा हूँ यहाँ से अभी नीचे को, और यहाँ कहीं पर एक जूस की फैक्ट्री भी है, दिखाता हूँ आपको यहाँ से जूस की फैक्ट्री, थोड़ा सी दूर है, नीचे वाला रास्ता हमने पकड़ा है। तो दोस्तों मैं इसी की बात कर रहा था, ये है देखो कुमाऊँ फल उद्योग, ग्राम चैसर, पोस्ट ऑफिस, शरबत, माल्टा, बुर्जा, नींबू, आंवला। तो इन सारे के सारे अगर आप फल यहाँ लेकर आओगे तो ये आपका आपको उसका जूस बना के दे देंगे। कितने टाइम में बनाएंगे वो तो आप खुद ही पूछ सकते हो इनसे, मगर दे देंगे। और प्योर होता है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ वो नहीं होता, मिलावटी वाला नहीं होता है, प्योर होता है। तो देख लो जो शिव मंदिर है उससे हल्का सा नीचे को आना है आपको बस, और दिख जाएगा आपको ये फल उद्योग। तो यहाँ से अभी हम नीचे जा रहे हैं, गंगनाथ बाबा का मंदिर भी आने वाला है यहाँ से नीचे। गंगनाथ बाबा का मंदिर भाई ये वाला है, गंगनाथ बाबा का मंदिर। मगर अभी यहाँ नहीं जा रहे हैं हम लोग, अभी थोड़ा सा हमको दौड़ना है ना, तो पहले हम दौड़ के आते हैं पूरा का पूरा, वापसी में यहाँ ज़रूर आएंगे। तो सप्लाई के रास्ते जा रहा हूँ मैं, सप्लाई का नीचे वाला रास्ता है ये देखो, ये रास्ते की हालत भी ख़राब ही है, बाइक आइक लेके मत ही आना इस तरफ से। तो और विवेक लोग थोड़ा आगे चले गए हैं, उनको ज़रा कैचअप करते हैं। सो गाइस फाइनली वी हैव कॉट अप टू देम। और यार 2-3 दिनों से आई वॉज वंडरिंग, बारिश जैसी ही होती है बाढ़ आने लगती है, कुछ होने लगता है, और यहाँ के भी हाल देखो, गड्ढे हो रखे हैं, रोड बिल्कुल ख़राब है। तो जहाँ तक मेरे को पता चला है ना, इंडिया को पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। हर जगह रोड ख़राब है, हर जगह नाले टूटे हुए हैं, फिर भी हौले हौले हो जाएगा डेवलपमेंट। तो अभी चल रहे हैं यहाँ से आगे को, और ये हम पहुँचने वाले हैं सप्लाई के बाहर, ये शॉर्ट रास्ता है। हम लोग अपने डैम के रास्ते में हैं, और रास्ते में मुझे मिला है बहुत अच्छा स्नेल, ये देखो वाओ सो कलरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये डूड शायद अपने घर जा रहे हैं, तो इसको जाने देते हैं। स्नेल्स बहुत अच्छे लगते हैं यार दिखने के, भले ही थोड़े से स्लाइमी बिल्कुल ऐसे स्पॉन्जी टाइप के होते हैं, मगर होते बहुत अच्छे हैं दिखने के, मेरे को तो अच्छे लगते हैं। बारिश के बाद डैम में मच्छियां पकड़ी जा रही है, बारिश के बाद डैम में। हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ से आई बी रोड की तरफ को, और इस डैम वाले रास्ते में मैं आज तक आया नहीं हूँ, मगर इनमें से कोई आया होगा तो अब देखते हैं रास्ता। भाई मैं तो भबरी जाऊँगा इसलिए इनके पीछे पीछे चलता हूँ, यहाँ से रास्ता दिखाते हुए चलूँगा, आप भी आ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ये हम लोग पहुँच गए हैं ग्राउंड में, और यहाँ पे तो बॉक्सिंग रिंग भी है भाई, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं तो पहली बार आया हूँ इस जगह में, लोगों की कृपा से आया हूँ पहली बार, यहाँ से नैनी सैनी में रास्ता खुलेगा अब शायद, ताकि यहाँ से नैनी सैनी जाने वाले हैं। ये वाले पहाड़ से ऊपर चढ़ रहे हैं भाई, ये देखो यहाँ से कोई रास्ता है शायद, तो देखते हैं कहाँ खुलता है ये रास्ता। नहीं पता नहीं किसके हम घर के बाहर पहुँच गए, बहुत इंटेंस रास्ता है भाई, मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ आज ये रास्ता। ग्राउंड बहुत नीचे छोड़ दिया है हमने, और ऊपर को भी है रास्ता, चलो देखते हैं कहाँ पहुँचाता है ये रास्ता हमें। तो हम लोग पहली बार आ रखे हैं इस रास्ते में, और मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। ये नैनी सैनी का है पूरा एयरपोर्ट, बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है साफ़, और यहाँ पे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल के भी जा रहे हैं देखो ग्राउंड से। चलो थोड़ा और ऊपर जाते हैं, स्टंट मास्टर्स
हाँ भाई हाँ, हम भी जाएंगे। ए हिलाओ मत। यार ब्लॉगर के यही दुख दर्द होते हैं ना। यस वी मेड इट। तो गाइस ये हम लोग कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक जगह में आ गए हैं। यहाँ से तो मेरे को चलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। पवन पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं आखिर। भाई इस सीन को मेरे को याद आ रही है कारगिल वॉर की। ऐसा ही हुआ था, ऊपर पाकिस्तानी नीचे से इंडियन ट्रूप्स ने हमला किया था। बहुत गर्व है मुझे उस कारगिल वाले वॉर पे, टाइगर हिल पे जब कैप्चर किया था। ठीक है अगर आपने देखी ना हो तो देखना, लक्ष्य पिक्चर में उसका बहुत बहुत ज़्यादा रिलेट किया हुआ है। लक्ष्य पिक्चर में मैंने देखी है, आप भी देख सकते हो। क्या पता आपका ज़िंदगी जीने का उद्देश्य चेंज हो जाए उस पिक्चर से, बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। और भाई बहुत ऊँचा पहुँच गए हम, बहुत ऊपर पहुँच गए हैं। यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ की टंकी भी है। यहाँ से ऊपर पहाड़ बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। पता नहीं कौन से रास्ते से ले जा रहे हैं आज हमको ये पवन, मगर फिर भी देखते हैं। चलो रास्ता फाइनली। फाइनली वी आर हियर। ये तो वही वाला रास्ता है जहाँ से हम पिछली बार आए थे। जानी पहचानी जगह जिसको मैंने जन्नत का टाइटल दिया था, ये वही वाली जगह है ऊपर। ये रीच्ड एट द टॉप ऑफ अ हिल, सच अ वंडरफुल प्लेस, वेरी नाइस सीनरी। पर मुझे लग रहा है ये वाला पहाड़ सबसे ऊंचा पहाड़ है यहाँ पर, बिल्कुल लाइट हाउस की जैसी। देखो चारों तरफ पहाड़ हैं तो सही दूर दूर, मगर टकला पहाड़ यही है, एक ही पेड़ है यहाँ पे वो देखो। और यहाँ से नीचे थोड़ा सा हाईवे रोड है, तो नीचे कोई प्रस्थान करते हैं। देर तक यहाँ पे हमने टाइम लैप्स बनाया है, अब चलते हैं नीचे को। सूरज भी ढल गया, अंधेरा होने वाला है, इसलिए अब हम चल रहे हैं नीचे को। हेलो भाई, हेलो भाई, चलो भाई, बिग फैन भाई, बिग फैन। सुनने के बाद भूल मत जाना भाई। हेलो भाई, हेलो, कैसे हो? मॉल की वीडियो नहीं बनानी भूल गए भाई। बहुत ज्यादा बडीज मिल गए हैं मेरे को यहाँ पे, ये लोग फुटबॉल खेल के आ रहे होंगे। ओके भाई, राहुल जा रहे हैं वो भी, चलते हैं अब। भाई आज पेट्रोल पंप के उजाले में अपना व्लॉग खत्म करते हैं, ठीक है? आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मजा आ गया आज के दिन में। तो अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, ठीक है? घर में रहिए, अच्छे से शुरुआत, अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। टाटा बाय बाय बाय।